सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर जो पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है कि इस मामले को जो है ऊपरी बेंच में दिया जाए, बड़ी बेंच में दिया जाए, इसको लेकर के जयपुर के लोग क्या सोचते हैं ये हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सेठी साहब। सेठी साहब, आप क्या सोचते हैं कि ये जो निर्णय जो है अब पूर्व में अनुमति दी गई थी और जब तक दोबारा बड़ा आगे की बेंच का फैसला नहीं आएगा तब तक पुराना फैसला लागू रहेगा, अब क्या होना चाहिए? मेरे विचार से इसको जैसा आगे रखा जैसा रखा गया है कि इनको परमिशन दी जानी चाहिए वो उचित है, उनको परमिशन दी जानी चाहिए समय के हिसाब से। यानी याचिका लगाने वाले ने कहा था कि उनका सैकड़ों साल पुरानी जो मान्यता है उस आधार पर उन्होंने याचिका लगाई है और अनुमति देने के बावजूद भी वहाँ पर आपने देखा कि महिलाओं ने कई बार कोशिश की जाने की लेकिन प्रवेश नहीं दिया गया वहाँ पर। उनको प्रवेश दिया जाना चाहिए, मेरे विचार से उनको प्रवेश दिया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर महिलाओं के अधिकार की बात की गई है कोर्ट के द्वारा। हमारे साथ में महिला है, इनसे पूछते हैं कि आप क्या मानते हैं कि प्रवेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और जो कोर्ट ने कहा उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से जो फैसला, जो याचिकाएं लग रही हैं कि उनके पक्ष के अंदर होना चाहिए महिलाओं के, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। कारण जब हम घर के अंदर कोई शुभ कार्य करते हैं या फिर हम पूजा पाठ होता है जिसके अंदर जिसको देखते हुए वर्जित रखा गया है, उन कारणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज महावारी जैसी चीज़ को रखते हुए मंदिर में प्रवेश वर्जित किया गया, उसी चीज़ के लिए घर के अंदर भी वही कायदे कानून लागू होते हैं जैसा कि मंदिर में लागू किए गए हैं। ये धर्म से जोड़ने वाली बात नहीं है, ये हमारे पौराणिक संस्कार हैं, हमारी चीज़ें हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर वहाँ पर प्रवेश वर्जित है तो वर्जित ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने आज याचिका लगाई है तो हम उसको लेकर के सही माने। बिल्कुल, ये महिला है लेकिन ये इस बात को लेकर भी कह रही है कि अगर कोई शुभ कार्य है, शुभ जगह है तो वहाँ पर कुछ दिनों में, विशेष दिनों में नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए, इस पक्ष में है। धर्मों में अलग अलग क्या धर्म में परिचित है? हमारे साथ मुस्लिम समुदाय से हैं अब्दुल लतीफ़ आरको साहब। आरको साहब, आप बताएँ कि क्या महिलाएँ मस्जिद में जाती है तो वहाँ कोई रोक टोक वगैरह होती है क्या? देखिए, हमारे यहाँ किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती है, बल्कि हमारी मस्जिदों में जहाँ महिलाएँ प्रवेश करती हैं तो उनके लिए एक जगह अलग से बना दी जाती है कि भाई आप लोग यहाँ बैठ के नमाज़ पढ़ लें और वो मर्दों के साथ पढ़ती है। ये अब्दुल लतीफ़ आरको साहब, इनका कहना है कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाए, इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे साथ में एक और सज्जन, इनसे पूछते हैं इनका व्यू क्या है। सर, आप क्या सोचते हैं? मैं इस बारे में ये सोचता हूँ, जो भी पहले जो भी हमारे इस बारे में जो भी किया क्या बोलते हैं जो संविधान या नियम बने हुए हैं उस हिसाब से उनको वहाँ मंदिर में जाने की प्रवेश नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, ये अलग अलग व्यू है लोगों के, लेकिन साफ तौर पे ये बात भी सामने आती है कि देश जो है धर्म और आस्था के बजाय संविधान से चलता है, संविधान के अनुसार महिलाओं को जो बराबरी का हक जो है दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी जो है पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन जब तक अगला फैसला, अगली जो बड़ी बेंच फैसला नहीं सुनाती है तब तक पुराना फैसला जो लागू रहेगा और देखते हैं कि अगला जो सुनवाई जो है कब होती है। जयपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप लामरोड।